बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा पोर्शन दिखा रही हूँ। सो लेट्स गो। देखिए, ये है इसकी एंट्रेंस और ये इसकी रोड है। अच्छी रोड है ये तो, बहुत ही अच्छी सी ब्यूटीफुल सी एंट्रेंस है यहाँ पे। ये देखिए, लाइट्स वगैरह सब बहुत अच्छी दी गई हैं। ये पोर्शंस हैं, ये कितने पोर्शन हैं पूरे? चार पोर्शंस हैं। और अभी हम कौन सा फ्लोर दिखा रहे हैं? ग्राउंड फ्लोर। ठीक है जी, तो अभी हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड फ्लोर और बाकी ये नदीम उस्मान ये आपको बताएंगे और डिटेल। जी अस्सलाम वालेकुम। ये 200 गज पे पोर्शन बने हुए हैं जी। एक पोर्शन ये ग्राउंड का हम आपको आज विजिट करा रहे हैं। अच्छा, आइए। तो देखिए, यहाँ से ये इस तरह से स्टेयर्स दी गई हैं। और ये इसका खूबसूरत सा गेट है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पोर्शन है। हाँ, चलिए आगे बढ़े। तो देखिए, यहाँ एंटर होते हैं तो ये एक छोटी सी यहाँ पे गली दी गई है, पतली सी, और बाकी ये एंट्रेंस है। ठीक है, यहाँ एक गाड़ी आ जाएगी, छोटी गाड़ी। अच्छा, छोटी गाड़ी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और फ्लोरिंग इसकी बहुत अच्छी है, मार्बल्स हैं ना ये? अच्छा, मार्बल नहीं, टाइल्स लग रहे हैं, टाइल्स हैं। तो अभी ज़रा सफाई नहीं हुई है इसलिए ऐसा लग रहा है। और बाकी ये देखिए, ये बोर्ड दिया गया है इलेक्ट्रिक का। और ये एक तो इन्होंने एंट्रेंस ये दी है जो कि लाउंज लाउंज की ये है। अच्छा, और दूसरे यहाँ पे एक इन्होंने एंट्रेंस यहाँ पे ये दी है जो कि ये ड्राइंग रूम में जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सी इसकी एंट्रेंस है। ये ड्राइंग रूम हो गया यहाँ पे। बस ये एक स्टेयर्स हम चढ़ते हैं उसके बाद। अच्छा, ये इसका फ्लोर क्या है? टाइल्स लगे हुए हैं देखिए। तो ये अभी आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि डस्ट है यहाँ पे, अभी सफाई नहीं हुई है, वरना ये बहुत खूबसूरत सा है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो है ये इस तरह से ये पूरा, ये स्लाइडिंग तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, ये नहीं खुलेगा? खुलता नहीं, अच्छा ठीक है जी। तो ये देखिए, ये पीले पीछे जो है आप यहाँ पर प्लांट्स वगैरह रख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये। अच्छा, फ्लोर्स तो मैंने आपको दिखा दिया इसका। अच्छा, इसकी रूफ देखिए, फोर्सलिंग। अच्छा, ये देखिए फोर्सलिंग हुई भी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे दो फैन लग जाएंगे है ना? यहाँ एक शैंडल आ जाएगा यहाँ पे और फैन आ जाएगा, वो सब खुद करने होंगे। ठीक है, इसका साइज? साइज इसका 12x16। अच्छा, 12x16। ठीक है जी, तो ये देखिए, ये इसका इस तरह से व्यू बनता है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी, एक तो इसका ये डोर दिया गया है जो कि लाउंज में जाएगा। अच्छा, मैं वहाँ से आना चाहूँगी, इधर से ना एक रास्ता ये है। ठीक है, तो देखिए, मैं वापस से कार पोर्च में आ गई हूँ और अभी मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग रूम में गए थे हम। अब अगर यहाँ से हमने डायरेक्ट लाउंज में जाना है तो देखिए, ये है इसका रास्ता। ये इस तरह से टू डोर दिए गए हैं, एक ये अभी बंद है, एक खोल लिया गया है। तो देखिए, अब हम यहाँ एंटर होते हैं तो ये देखिए, ये इसका व्यू बन रहा है। ये टाइल्स हैं, ठीक है, नहीं मार्बल या अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी डस्ट बहुत हो रही है इसलिए ऐसे लग रहे हैं, वरना ये साफ़ होने के बाद बहुत अच्छे चमकते हुए होंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो है ये इनका किचन यहीं अटैच दिया है ना लाउंज के साथ। तो देखिए, किचन में आपको दिखाती हूँ, किचन भी बहुत अच्छा सा है। ये पूरा इस तरह से ये दिया गया है। और ये देखिए, ये कैबिनेट्स हैं इनकी, चैनल्स लगे हुए हैं ना इसमें पूरा। ये है इसकी बहुत ही अच्छी शाइनिंग है, ग्रैनाइट में किचन बना हुआ है। हाँ, दिखाइएगा, बन करके दिखाएं। हाँ, ये बना हुआ,
तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और ये इस तरह से है पूरा, ठीक है, ये बंद होने के बाद ऐसा लग रहा है। और ये पूरी अच्छी कैबिनेट्स हैं, वाइट कलर में है ना, प्योर वाइट में, ठीक है। अच्छा ये दिखा, एक दिखा दीजिए, हाँ ये इस तरह से नीचे भी दी गई, फ्लोरिंग टाइल्स की है, अंदर फ्लोरिंग भी दी गई टाइल्स की, ये इसका सिंक है। अच्छा ये दिखा, स्विच बोर्ड्स ये सारे, अच्छा स्विच के, हाँ देखिए ये इस तरह से बहुत ही तरीके से हर चीज़ दी गई है, क्योंकि अगर आप इसको लेते हैं तो एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये देखें इस तरह से ये किचन के साथ ही ये लाउंज बन गया है। यहाँ पे आप डाइनिंग भी बना सकते हैं उसको, जो भी आपको समझ में आए। अच्छा फिर यहाँ पे अब मैं रूम में जा रही हूँ, तो देखिए ये मास्टर बेडरूम सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ये इसकी वॉल, अच्छा, और ये देखिए ये इसकी रूफ है। यहाँ पे अभी शीशे वगैरह लगेंगे ना ऊपर रूफ पे, अच्छा रूफ भी बहुत खूबसूरत है इसकी। तो अच्छा तो इसका वॉशरूम मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए ये क्या टाइल्स है नीचे फ्लोर पे, टाइल्स है ना, तो ये देखिए इस तरह का एरिया है। सैनिटरी भी अच्छी यूज करी है ये सारी ना, यहाँ पे कैविटी है, शैम्पू वगैरह, हाँ यहाँ पे अपने सारी चीजें रखी जा सकती हैं। अच्छा ये वॉश बेसन दिया है इस तरह से, और इसका साइज बता दीजिए। अच्छा तो ठीक है जी, ये है, ठीक है ये, अच्छा फिर इसी रूम में जो है हम यूँ आते हैं, तो यहाँ पे ये यहाँ क्या दिया गया है, वॉशिंग एरिया, अच्छा ये वॉशिंग एरिया इस रूम के साथ दिया गया है, ये देखिए तो ये ऊपर से ये है इस तरह से ओपन है, अच्छा ठीक है, यहाँ भी टाइल्स लगे हुए हैं सब, सब टाइल्स, पूरा टाइल्स, ठीक है। ये स्टोर है, ये क्या है, स्टोर, अच्छा ये एक स्टोर दिया गया है, लाइट नहीं अभी यहाँ पे ना, चलिए ठीक है, इसका साइज है। अच्छा तो यहीं से हम आ जाएं इधर, ये दूसरा रूम है ना, अच्छा यहीं से अगर हम, यहाँ से भी आने का रास्ता है जी, तो इस मतलब इस रूम के साथ भी इस तरह से ये एक ये ओपन है ऊपर से ना, हाँ यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ एक डोर है और यहाँ से इसी तरह दिया गया है जैसे उसमें मास्टर बेडरूम में है ना, बस ये बेडरूम थोड़ा छोटा है, ये बच्चों के लिए भी यूज़ हो सकता है, साइज बड़ा है, हाँ उस वाले से थोड़ा इसका साइज़ कम है, लेकिन वो तो मास्टर बेडरूम है ना। अच्छा इसकी फ्लोर जो है रूफ ऐसी ही है, थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है। अच्छा इसका वॉशरूम मैं आपको दिखाती हूँ, ये वॉल इसकी इस तरह से बनाई गई है, ठीक है। चलिए अब इसका वॉशरूम दिखाती हूँ मैं आपको, तो देखिए ये इसके फ्लोर है, ये ऑफ वाइट कलर में है, वाइट है बिल्कुल प्योर ये, हाँ ये देखिए ये है इसका सिंक, सैनिटरी बहुत अच्छी लगी हुई है, यहाँ भी स्पेस दी गई है, अपना आप कुछ भी सामान रख सकते हैं यहाँ पर, और मीडियम साइज है ना, ठीक है। अच्छा अच्छा अब हम यहाँ से निकलते हैं, वो तो मैंने आपको वो दिखाया था कि वहाँ ओपन एरिया था, वहाँ से हम आ गए थे, अब ये वापस से हम इधर जो डोर दिया गया है, तो हम आ गए यहाँ लाउंज में और किचन में, ठीक है। तो ये दूसरा रूम हो गया, अब ये तीसरा रूम मैं दिखाने लगी हूँ आपको, तो देखिए ये इस तरह से दिया गया है,
और ये इसकी रूफ लाउंज की इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं थर्ड रूम में। ये भी अच्छा बड़ा साइज है। और ये मुझे बहुत पसंद आया है ये रूम क्योंकि ये इसकी जो है ना विंडो, ये किस तरफ खुल रही है यहाँ। हाँ अच्छा ठीक है, वो जो मैंने आपको स्पेस दिखाई थी, तो ये देखिए यहाँ पे ये बड़ी सी विंडो दी गई है, स्लाइडिंग विंडो है और ग्रिल भी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे तो हाँ, यहाँ पे प्लांट्स बहुत अच्छे रखे जा सकते हैं ना, जिनको प्लांट्स का शौक़ है, जैसे मुझे शौक़ है कुछ ज़्यादा ही। तो अच्छा, यहाँ पे मॉस्किटो नेट भी दी गई है, ठीक है, ये वाला तो खैर बहुत ही बेस्ट हो गया। अच्छा, ये इसकी रूफ है और इसी तरह से ये एलईडी रखने की स्पेस बनाई है, जो कि इलेक्ट्रिक बोर्ड भी यहाँ पे दिया गया है। मज़े का रूम है ये, ठीक है जी। अच्छा, इसका वॉशरूम दिखाती हूँ आपको। इसका वॉशरूम बड़ा है ना, उनसे बड़ा है। ये भी वाइट में है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। हाँ, ये चीज़ इसीलिए बड़ा भी है ये, ठीक है। और ये यहाँ भी इस तरह से स्पेस दी गई है। मुझे तो ये रूम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, हालांकि ये मास्टर बेडरूम नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और बाकी आपकी चॉइस होगी। ये देखिए, ये है विंडो। अच्छा, पूरा दिखा दिया, ठीक है। तो अब जो है, तो गाइज मैं आपको अब ये पूरा पोर्शन दिखा चुकी हूँ, अब बाकी इसकी डिटेल आपको नदीम उस्मान बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। ये पोर्शन जो है 400 गज पे बने हुए, बाइफिकेट करके 200 गज के, और ये ग्राउंड का पोर्शन है, और ये इस वक्त बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसमें कोई भी अभी रिहाइश नहीं हुई है, अभी तैयार हुआ है, थोड़ा बहुत फिनिशिंग बाकी होगी तो होगी, वरना ये। और जो इलाका है ये 3A गुलिस्तानी जौहर, और बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन है, बहुत अच्छी प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है। मुझे आप लोगों को पसंद आएगी, तो अगर आप लोगों को लेना है या आपको बात करनी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0336-27-00-229-1 एजेंसी सैयद नदीम उस्मान। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। देखिए, ये इस वक्त मैं आपको पूरा इसका लाउंज का साइज़ दिखा रही हूँ, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। तो आइए विज़िट करिए, हो सकता है आपको अच्छा लगे, और बाकी इसकी जो और डिटेल्स हैं आप वो नदीम उस्मान से मालूम कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।